अध्याय 12 में ध्वनि चुप रही कर ध्वनि समझते हैं बुक्स बंद कर दो ध्वनि नहीं क्या होता है ध्वनि नहीं क्या होता है साउंड होता है ना आवाज आवाज साउंड होता है तो आवाज से साउंड से वाइब्रेशन से कंपन से ये सब चीजें हमको कानों से सुनाई देती है देती है तो ये ध्वनि साउंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विज्ञान में साउंड से आवाज से कितनी सुंदर आवाज गा रहे हैं लोग लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं कमाते हैं तो आज अपन जो पढ़ना चाह रहे हैं जो समझाना चाह रहे हैं आपको कि चमगादड़ अपनी ध्वनि से कैसे भोजन प्राप्त करता है कैसे भोजन प्राप्त करता है सबसे पहले तो ये समझने की चमगादड़ क्या है चमगादड़ नाम है आपको अंधेरे में अंधेरे में पाया जाता है और उसमें उड़ने की क्षमता होती है उड़ता है वो और उसमें जो पंख हैं वो पंख जैसी संरचना पंख नहीं होती वो छाती जैसी संरचना उसमें लगी होती है ऐसा हो करके तो वो उसके पैर होते हैं चमगादड़ के और ये अंधेरे में रहता है इसकी प्रकृति क्या है कहां रहता है ये अंधेरे में अब अंधेरे में रहता है अंधेरे में यदि है तो कुछ दिखाई देगा क्या इसको हाँ कुछ दिखाई देगी नहीं दिखाई देगा जब अंधेरे में हमको दिखाई देता था तो उसको कैसे दिखाई देगा पहली बात तो चमगादड़ क्या है एक स्तनधारी है क्या है कौन सा जीव है स्तनधारी जीव मतलब जिसके अंदर स्तन है या दुग्ध ग्रंथियां हैं दुग्ध ग्रंथियां हैं चमगादड़ जो है वो स्तनधारी है इसमें दुग्ध ग्रंथियां हैं और ये अपने शिशु को जन्म देता है अंडे इसमें उत्पन्न नहीं होते ठीक है अब प्रश्न ये उठ रहा है कि चमगादड़ अंधेरे में रहता है और अपने भोजन कैसे प्राप्त करता है चमगादड़ एक विशेष प्रकार की आवाज निकालता है ची ची करके बहुत तेजी से आवाज निकालता है ना जब चमगादड़ आवाज निकालता है तो आवाज निकालता है तो आवाज से ये भोजन कैसे प्राप्त करता है प्रश्न हमारा ये है प्राप्त करता है भाई अंधेरे में रहता है अंधेरे में ये रहता है और अंधेरे में ही ये छोटे छोटे जीवों को खाता है छोटे छोटे जीवों को खाता है और जीव दिखेंगे कैसे तो ये क्या करता है चमगादड़ उच्च पराध्वनि उत्पन्न करता है पराध्वनि मतलब आवाज उच्च पराध्वनि उत्पन्न करता है जोर से आवाज निकालता है चीख कर बात समझ आई आपको जोर से आवाज निकालता है अब मान लीजिए यहां पे चमगादड़ है
और यहां इसने पराधमनी निकाली, ठीक है, आवाज निकाली, और आवाज निकालने के बाद अंधेरे में यहां पे एक क्या है, इसका भोजन है, कीट है, ठीक है। अब ये तो पूरा पूरी जगह है अंधेरे की, कहां की जगह है ये, पूरा अंधेरा है, इसको कुछ दिखाई दे रहा है क्या चमगादड़ को, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब इसने पराधमनी निकाली, आवाज निकाली ची करके, जैसे ही पराधमनी ये निकली और जो भोजन है जो उसका कीट है उससे टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ कि परावर्तन हुआ। पराधमनी क्या है, उच्च तीव्रता की उच्च आवेग की ध्वनि, आप देखना चमगादड़ को धीरे धीरे चिल्लाता है ना, और ची करते जाए उच्च, जो तो उसकी जो तरंगे हैं वो उच्च होती है, और जैसे ही ये जिस अंधेरे में जहां पर कोई कीट है जैसे टकराता तो वहां से वो ध्वनि परावर्तित होती है, ये ध्वनि क्या होती है परावर्तित होती है। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन मतलब अब जैसे यहां पर सूर्य की किरणें पड़ी तो ये आपतन हो गया, यहां से ये वापस गई तो परावर्तन हो गया, कोई भी चीज हुई तो आई और गई तो वापस गई, तो वही हम होता है, पराधमनी गई भोजन से टकराई, टकराई जैसी आवाज निकाली भोजन से ये ध्वनि टकराई, टकराने के बाद ये क्या हो गई परावर्तित हो गई, जैसे परावर्तन चमगादड़ को कानों में समझ में आता है, और जैसे जिस कारण में समझ आ गया परावर्तन हुआ तो वो चमगादड़ इस भोजन के पास, इस कीट के पास, किसी जीव के पास पहुंच जाता है और इसको पकड़कर खा लेता है। आया समझ में नहीं आया, हाँ अरे बोलो ना, आया तो प्रश्न ये है कि चमगादड़ अपना भोजन पराधमनी के माध्यम से अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो पराधमनी उच्च आवृत्ति की ध्वनि निकालता है वो, और आवाज निकालता है वो, आवाज अंधेरे में निकल करके जो भी उसका भोजन है कीट है जीव है उससे टकराकर परावर्तित होकर के चमगादड़ को संवेदना या सूचना देते हैं कि वहां पे कीट है, उसको आभास हो जाता है। जैसे मैंने ये चौक मारी और ये किसी से टकरा गई और टकरा के वापस आ गई तो मुझे महसूस होगा ना कि वहां पर कुछ अड़ रही है, तो वो वही चीज यहां पर होती है, तो पराधमनी जाने का काम करती है, परावर्तन वापस आने का काम करती है, चमगादड़ को महसूस जाता है, चमगादड़ क्या करके इस कीट को इस भोजन को ग्रहण कर लेता है। क्या दिक्कत है बच्चों इसमें आपको, कोई समस्या? तो जो प्रश्न आप पढ़ते हैं जो भी आपको उसका उत्तर जब लिखते हैं तो उसको आपको उस प्रश्न के उत्तर को समझ में आना चाहिए, यदि समझ में नहीं आएगा बेटा तो आप आंसर अच्छे से ले सकते हैं। अब आप किताब में पढ़ेंगे और मेरे बात जो समझाइए इसको जब आपको दिमाग में रही तो आप मन से उत्तर पढ़ा के लिख देंगे कि परावर्तन क्या है, परावर्तन क्या है, चमगादड़ क्या है, चमगादड़ कौन सा जीव होता है, अंधेरे में क्यों रहता है, अंधेरे में रहना उसकी प्रकृति है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे कि चमगादड़ अपना भोजन कैसा प्राप्त करता है। चमगादड़ स्तनधारी कौन सा है, मतलब इसको कौन सी ग्रंथि होती है, जन्म देता है अंडे न दे करके शिशु को जन्म देता है, ठीक है समझ आ गया। अपन ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, किस तरीके से पढ़ा था अपन ने, चार प्रकार से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अपन ने, यस सर अपन ने पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था एमसीपीआर, एम
एम्फीबिया, मैमेलिया, पढ़ा था मैमेलिया, एम्फीबिया, मैमेलिया, उसके बाद पढ़ा था अपने मत्स्य, फिर पिसीजो मसले की बात है, ये बात नहीं एम्फीबिया कैसे जीव जो दोहरे के पाए जाते हैं, मेंढक जल स्थल पे, मैमेलिया जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड होती हैं, जिसके अंदर दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, दुग्ध ग्रंथि के विषय होते हैं मेमोरी ग्लैंड, इसमें अपन आते हैं मैमेलिया में अपन आते हैं, और पिसीज मतलब जो मछलियां होती हैं, एवी जो पक्षी होते हैं, ये अपने मरीजन पढ़ने के लिए पता तो उसमें ये आता है स्तनधारी मतलब मैमेलिया, इसके अंदर समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है।